अस्सलाम वालेकुम, इकबाल के एक शाहीन मौजूद है, शक्ल से आशिक लग रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शिराज नदीम। शिराज कहाँ से आए आप? भगवानपुरा। भगवानपुरा से? कितना दूर है यहाँ? यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर। अच्छा, क्या करते हैं आप? स्टडी। स्टडी, तो कभी प्यार श्यार हुआ? नहीं हुआ। धोखा हुआ? तो ये धोखा कितने टाइम पहले हुआ आपके साथ? ये धोखा तकरीबन एक महीने पहले। एक महीने पहले? कितने साल का रिलेशन था? रिलेशन नहीं, वो ऐसी लड़की जाते जाते धोखा दे गई। तो ऐसी लड़कियों को क्या कहना चाहते हो? यही है कि अगले बंदे का ख्याल कर लिया करें, अगला कोई दिल का कमज़ोर भी होता है। इसके अलावा दिल का कमज़ोर आपको लगता है इस ज़माने में है कोई? अब शीशे में देखता हूँ तो लगता है, उसके अलावा कोई नहीं। मतलब बस आप है? मैं। तो फिर उस धोखे से कैसे निकले आप? वही धोखा ऐसे था, मैंने पर्शियन कैट रखी थी, मैं ये साथ ही है अपना बाश वो शालामार वहाँ पे लेके गया, मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई। लोग सारे अच्छी कैट थी, डबल है इस कैट, आंखें पर्शियन कैट प्यारी होती है, प्यारी होती हैं। सारे तस्वीरें खींच रहे थे, मुझे गुस्सा चढ़ा था कि मैं अपने फ़ोटोशूट के लिए आऊँ, मेरा कोई कार्ड नहीं रहा। एक लड़की ने मुझे कहा था इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई टेक अ वन, कि आपकी बिल्ली के साथ मैं तस्वीर खींचना चाहती हूँ। आईफोन एक्स था उसके पास, मैंने कहा चलो मेरा रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा, खींच लें आप। मैं लेकिन मेरी एक शर्त है, आपने मेरी भी तस्वीरें खींचनी होगी। कहती चले ठीक है, पहले उसने तस्वीरें खिंचवा ली, फिर मैंने खिंचवाई। अब वो उसके फ़ोन में ना, उसके फ़ोन में बाद में वो कहती है अब तस्वीरें तो मैंने खींच ली, अभी आपको शेयर कैसे करूँ? मैंने कहा मैं व्हाट्सएप नंबर ले लें, आप यहाँ से शेयर कर दें मुझे। पहले उसने सोचा, कहती अभी तो मेरा पैकेज नहीं घर में, मेरे वाईफाई लगा है, मैं घर जाते सारा आपको सेंड कर दूँगी, फ़िलहाल आप अपना नंबर दे दें। आज महीना हो गया। अच्छा, तस्वीरें नहीं आई? आपको तस्वीरों का दुख है या उस लड़की का मैसेज ना आना? नहीं, दुख है का दुख है, तस्वीरें तो बंदा दे देता है। ये तो देखेगा, उसने बिल्ली के साथ तस्वीरें लेनी थी, आपको इस्तेमाल करके चली गई। तो वही ना, मेरी तस्वीरें पर मैं शायद सारी लड़कियां एक जैसी होती है? तकरीबन सारी। लड़के कैसे होते हैं? शरीफ। अच्छे शरीफ? इतने भी शरीफ नहीं होते जितना आप कह रहे। नहीं, मैं अपने हिसाब से आपको कह रहा हूँ, बाकियों का हो सकता है थोड़े हूँ। जो लड़के बेवफाइयाँ करते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने नहीं आज तक। उस लड़की को क्या कहना चाहते हैं? ये कहूँगा कि नंबर रखा तो तस्वीरें सेंड कर दो वापस, अपना नंबर लिखवा दो सबको इसमें ही। 03 लिखवाओ ना, क्या पता कोई तो बिल्ली वाली लड़की आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। 03420550343। ये ओपन नंबर दे दिए इसने, ठीक है। आप जो जहाँ कहीं भी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, आपने इनकी छोटी सी चला देना ना कि उसे आसानी हो। हाँ, उसे आसानी हो। ये लड़का वही है जिसकी बिल्ली के साथ आप तस्वीरें बना के चली गई हैं और आपने इनको तस्वीरें शेयर नहीं की। आप काइंडली इनको तस्वीरें भेज दें और ब्लॉक कर दें बाद में। अगर डिलीट कर दिए तो बैकअप मैं करा लूँगा, आप एक बड़ी आहत हो जाएगी। अच्छा, तो मैं तस्वीरें सेंड करके ब्लॉक कर दे, बेशक काट दे, बस ठीक है, तस्वीरें तो आने दी। तस्वीरों से मतलब है भाई लड़की आपका कोई लेना देना नहीं है। वह ना कि आईना गुजरे हुए लम्हे नहीं दिखाता, तस्वीरें खींचना भी ज़रूरी है। बस वो महीना पहले वाला याद 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 बस याद रह जाती है, याद रह जाती है। वो याद जरा थोड़ी सी मैंने कर लूँगा। चलो जी, अल्लाह करे आपको तस्वीरें मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका। बाल के एक शाहीन मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल आशिक। फैसल आशिक, कितने लोगों के आशिक है? मेरा नाम पूरा है, मेरे वालिद साहब का नाम है, आशिक किसी का नहीं है। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? आपके रिक्शे के पीछे आपने क्या लिखवाया हुआ है? कैमरा में देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं लिखवाया। ऐसा कुछ नहीं लिखवाया हुआ, तो वैसा कुछ बता दें जो लिखवाया हुआ है। वैसा भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर प्लेट के अलावा। ना करें? हाँ ना। इतने सीधे साधे आप जी, कोई इधरू लंग जा सोने या रास्ता दे, ऐसा कोई नहीं। अच्छा चलो, मुझे बताओ अगर आप अपने रिक्शे पे कुछ लिखवाते हैं तो आप क्या लिखवाना पसंद करते हैं? हाँ, वो उसका बुल्ले शाह सरकार का पंजाबी का शेर। कौन सा सुनाए हमें, और कैमरा में देख के सुनाना और थोड़ा सा लाउड। अलिफ सीने अग लगी सीना तप के वांग तंदूर होया, एक लोकां दे ताने या मारिया दूजा माही अखियां तू दूर होया, एक शीशा लिया सी यार दे देखने नू ही, वो भी टुट के चूरा चूर होया, बुल्ले शाह जाने ते नच के यार मना लिया, साडा रोना भी ना मंजूर होया। हाय, आपका तो मुझे लगता है पूरा का पूरा दिल टूटा हुआ है। बहुत ज़्यादा। किसने तोड़ा ये दिल? ये बहुत लंबी कहानी है। आप हमें लंबी कहानी शॉर्ट करके प्लीज सुना दें। नहीं, उन्हें माही नहीं मिलता जड़ा दू करन दा सांझा, इको पासा रहंदे हीरे खेड़े रख जा रांझा। बहुत गहरे इंसान है, यानी कि वो उनकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका।
Yes. कितने साल का रिलेशन था? रिलेशन नर्सरी क्लास से मिडिल तक। नर्सरी क्लास से इनका मतलब के शुरू हुआ? इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे पढ़ते थे, ऐसा सीन था। फिर कब तक चला? मुझे मतलब इंटरेस्टेड हो रही है। इंटरेस्ट शादी भी हुई हमारी। थोड़ा सा आप प्लीज इधर आए कैमरा में देखें। हाँ, हमारी शादी भी हुई, फिर 3 साल शादी भी चली, उसमें एक बेटा भी था, फिर उसमें लैदगी इस्तेमाल हो। आपका नर्सरी क्लास से शुरू हुआ, आप किस एज में शादी हुई? मेरी एज तकरीबन उस टाइम थी 17-18। 17-18 साल की एज तक आपका रिलेशन चला और आप दोनों ने शादी भी की, एक बच्चा भी पैदा किया और बाद में 3 साल के बाद आप लोग तलाक हो गई, मतलब ब्रेकअप हो गया। ऐसे ही है। वजह क्या बनी? बस फैमिली इशू भी थे, कोई वैसे ही नहीं बन सका कुछ। देखिए फैमिली इशूज तो मेरे ख्याल से आपके कपल से डिफरेंट होते हैं ना? नहीं, वो और भी बहुत चाहें बातें थी, उसकी वजह से भी हो सकता। तो फिर इतने साल के रिलेशन में आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद ये होना, बस कुछ ना पूछे इस बात को। तो आपने रोका नहीं उनको? बहुत कोशिश की मैंने, तो बहुत कोशिश की, 5 साल वेट भी किया कि वापस आ जाए। 5 साल बाद मैंने डिवोर्स दी। अच्छा, मतलब 5 साल आप यही कोशिश करते रहे कि शायद कैमरा में दिखें, अभी भी बेहतरी हो जाए, और नहीं हुई? कुछ भी नहीं हो सका। फिर उसके बाद मैंने डिवोर्स की, फिर मैंने 2018 में दूसरी शादी की। अब दूसरी शादी हुई आप? उसमें माशाल्लाह 2 बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो कभी उसके बाद उनसे आमना सामना हुआ? हाँ, एक दूसरे के घर में आना जाना भी हमारा, उनके घर में, के घर में भी। तो फिर क्या रिएक्शन होता है? भूल गए सब कुछ। वो भूल गई? वो भी भूल गए, मैं भी भूल गई, मूव ऑन कर गए। ऐसे ही है बस, क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं दिल में हलल तो होगा। वो जाहिर बात है, बीता हुआ वक्त तो इंसान को नहीं भूल सकता। तो उनकी शादी हो गई है? नहीं अभी। मतलब कि वो आपको छोड़ के अभी तक ऐसे ही है? हाँ, अभी तक ऐसे ही है। यार मतलब क्यों लड़कियाँ खुद के साथ ऐसे करती हैं? मैं अब का जवाब आपको क्या दूँ, फिर वो ही बात आती है। और वो बच्चा जो था, जो आपका बेटा था, उसका क्या बना? वो मैंने दे दिया, बच्चे को छोड़ नहीं, उसकी माँ के पास, उसकी माँ के पास मैंने। लेकिन उसका आप देखें क्या फ्यूचर है? फ्यूचर अच्छा है माशाल्लाह, जब जाता हूँ मिलता है मुझे, बोलता है पापा आ गए हैं। लेकिन देखिए वो तो चीज़ नहीं है ना। हाँ, वो चीज़ तो नहीं, अलग हो जाती, आप दूसरी कर लेते कुछ इस तरह से सिलसिला हो जाता। नहीं बस, वो बहुत लंबी कहानी है, इसको ना ही छेड़े तो बेहतर है। अच्छा, तो उनको अब क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, जा भी रहे खुश रहे। वो आपको खुश देख के, वो थोड़ा सा होती है जेलस? हाँ होता है, बातें सुनी भी थी, फिर मैंने गौर नहीं किया उनकी बातों में, मैंने इग्नोर कर दिया। मतलब आपको, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहे तो कोई चांस नहीं? नहीं अभी नहीं। क्यों, ऐसा तो नहीं ना? ओके, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसके बाद। वो शरीफ और सीधे सादे इंसान है ये। और अच्छा, मुझे एक और शेर कोई सुनाए। कौन सा शेर सुना? कोई भी, लेकिन वो दुखी ना हो। मतलब आपने अभी, इन्होंने बुल्ले शाह का शेर आपने सुनाया? हाँ, वो बड़ी गहरी बातें थी उस शेर में, लेकिन आप थोड़ा सा सैड हो गए, अब हम आपको भी लाइटर मोड में लेके जाते हैं, क्योंकि हंसाना लोगों हमारा काम है, लोगों को हम एंटरटेन करें, खुद ही खुश रहता हूँ। चलिए एक शेर सुना दे जिससे हम भी खुश हो जाए वापस और आप भी पहले वाले मूड में आ जाए। वाली बात है, मैं तो ऐसे शेर पढ़ता ही नहीं हूँ ना किसी को सुनाता हूँ। मैं आपको एक मौत के बारे में शेर सुनाता हूँ, मियाँ मोहम्मद बख्श का। जांदी वरी डरोना बनया डरदे हथ नहीं लांदे, जांदी वरी डरोना बनया डरदे हथ नहीं लांदे, जिन्हां लई पाप कमांदा लिया किथे नहीं तेरे घर दे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अभी टाइम कम है, नहीं तो मेरा दिल था कि अभी और 3-4 शेर हम सुनते हैं। कोई बात नहीं, फिर से इंशाल्लाह अल्लाह ताला मौका दे, मैं इधर ही होता हूँ, रिक्शा भाई मेरा चलाता। अच्छा, मतलब आपने रिक्शे पे वो लिखवाना है? मैं ऐसा कुछ नहीं है, दुआ करें अल्लाह ताला रिक्शा अपना दे दे, रेंट पे चलाता हूँ, फिर इंशाल्लाह लिखवाऊंगा। चलिए, हमारी बहुत सी दुआएं आपके लिए, थैंक यू सो मच।